एक पेड़ नई पीढ़ी के लिए इस अभियान के तहत दुर्ग राइस मिल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से प्रेरित होकर दुर्ग में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सघन पौधारोपण एवं अन्य प्रयासों पर वन विभाग के CCF डॉक्टर ए मैचियो और DFO चंद्रशेखर शंकर सिंह परदेसी के मार्गदर्शन में इस दिशा में सार्थक चर्चा की। इस दौरान में बड़ी संख्या में वन विभाग और राइस मिल संघ के लोग शामिल रहे। आगामी दिनों में होने जा रही मॉनसून की शुरुआत के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सघन वृक्षारोपण अभियान पर चर्चा कर वृहद स्तर में पौधारोपण कर उन्हें बचाकर संवारने पर पहल करते हुए दुर्ग राइस मिल एसोसिएशन ने एक नई पहल की है, जिसके तहत रविवार को दुर्ग के एक निजी होटल में वन विभाग के डॉक्टर के मैचियो, मुख्य वन संरक्षक दुर्गवृत्त चंद्रशेखर सिंह, परदेसी वन मंडल अधिकारी दुर्ग DK सिंह, उप वन मंडल अधिकारी दुर्ग लक्ष्मण आदित्य, वन परिक्षेत्र अधिकारी धमदा माधुरी सिंह, वन परिक्षेत्र अधिकारी बेमेत्रा हाफिज खान, वन परिक्षेत्र अधिकारी दुर्ग सहित राधा कृष्ण मंदिर महेश कॉलोनी से चतुर्भुज राठी, राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष विनीत जैन, विनोद अग्रवाल, मुरारी बुतड़ा, रमेश जैन, निकुंज सोलंकी, संजय गर्ग, पंकज अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, मनीष राठी, राकेश जिंदल, हर्ष मित्तल सहित अन्य राइस मिलर उपस्थित थे। अगर हमारे मन में सेवा करने की एक इच्छा शक्ति का ही होना जरूरी है। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके घर के बाहर का एक पेड़ अभी जो बड़ा हो गया वो कितना छाया देता है। इस दौरान उन्होंने अपनी चर्चा में आज के दिन प्रदूषित होते पर्यावरण को बचाने, सभी को जागरूक होने पर प्रकाश डालते हुए अपने बातें की। इस क्रम में छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से प्रेरित होकर दुर्ग राइस मिल एसोसिएशन ने आगामी मानसून में वृहद स्तर पर अपने राइस मिल के आसपास पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा के साथ देखभाल करने की बातें कही हैं। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित CCF डॉक्टर के मैचियो सहित अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम लोग आज राठी जी का सुझाव पे राइस मिल एसोसिएशन के साथ एक कार्यशाला हुआ है, जिसमें वन विभाग से जो अपेक्षा करते हैं पब्लिक द्वारा, वो भी हमको जानकारी प्राप्त हुआ है। और वन विभाग का जो परियोजना है, जो लाभ उठा सकता है, जिसका लाभ उठा सकता है, ये समझाए हैं। अभी हम लोग का ये मानसून सीजन आने वाला है, एक दो सप्ताह में बारिश होने लगेगा, उसके लिए हम लोग एक संयुक्त योजना तैयार किया गया है। राइस मिल एसोसिएशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में मिलके कम से कम 10,000 पौधा इस महीना लगाने का उसका योजना बनाया गया। मानसून सीजन स्टार्ट होने के बाद आम जनता को निःशुल्क पौधा वन विभाग की ओर से प्रदाय किया जाता है। उसके लिए सिर्फ अगर जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में पौधा चाहिए होगा उनको सिर्फ एक आवेदन देना पड़ता है, और उस आवेदन के हिसाब से हम उनको निःशुल्क पौधा प्रदाय किए जाते हैं। उसमें सभी प्रकार के पौधे होंगे, फलदार होंगे, छायादार होंगे, ऑक्सीजन देने वाले होंगे, बाकी मेडिसिनल प्लांट्स भी जो कुछ अवेलेबल है वो सारे हम उनको प्रदाय करते हैं। तो कोई भी हमें अप्रोच कर सकता है वन विभाग को, और निःशुल्क पौधा प्रदाय लेके अपना प्लांटेशन कर सकता है। बारिश होने के बाद तुरंत ये अभियान की शुरुआत होगी। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम वन महोत्सव मनाते हैं, तो उस वन महोत्सव में भी हम बहुत जगह जाके, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, पंचायत की ज़मीन हो गई, खाली जगह हो गई, वहाँ पे सिविल सोसाइटी के साथ मिलके हम वहाँ पे पौधारोपण करते हैं, और उसी के साथ हम लोगों को निःशुल्क भी, जिसको अपने घर में लगाना है उसको हम पौधा प्रदाय करते हैं। लेकर के सभी लोग सजग हैं, सभी सजग लोगों को एक मंच पे बुला करके और एक साथ उन्हें अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरणा देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है शहर के अंदर। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंतर्गत विभाग के सभी प्रमुख अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे, और आज यहाँ पे राइस मिलर्स पूरे के पूरे, ज़्यादा से ज़्यादा राइस मिलर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इनके राइस मिल कैंपस के अंदर काफ़ी बड़ी जगह होती है, जिसके अंदर में पेड़ों की सुरक्षा बहुत अच्छे से हो सकती है। उसके लिए ये हमारा पहला चरण, पहला कदम है इस प्रयास के लिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे इस कार्य को करें। जी हाँ, हम लोग करेंगे, सभी लोग मिल के करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कि जगह जगह जैसे गड्ढे करने की जो मशीनें होती हैं, वो मशीनें लगाएँ, खाद और उसकी व्यवस्था करें, डिपार्टमेंट से पौधों की व्यवस्था करें, और उसके बाद में इसी बरसात में इन झाड़ों को लगाना है, बड़े वृक्ष लगाने की कोशिश करेंगे, और उसको 6 महीने साल भर उस वृक्ष का देख रेख बहुत अच्छे से करेंगे। और एक बार अगर कोई वृक्ष अगर 1.5-2 साल का हो गया, उसके बाद में वो वृक्ष हमारी देख रेख करता है, हमको वृक्ष की देख रेख नहीं करना है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फलदार वृक्ष लगाएँ,
ताकि फलदार वृक्षों में जब फल को हम लगा देखते हैं तो हमारे को एक हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। जैसे हम फूलों के पौधों में जब फूल लगा देखते हैं तो एक अलग वाइब्रेशन होती है और फल लगा देखते हैं तो एक अलग वाइब्रेशन होती है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।